हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सोनल एंड वेलकम टू माय चैनल लिव यंग टीवी। फ्रेंड्स, लिव यंग टीवी चाहता है इंडिया नॉइज फ्री और पोल्यूशन फ्री बने और इसीलिए हम चाहते हैं इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स और फोर व्हीलर ही चलाएं। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ हमें दो टाइप की बैटरीज मिलती है। एक होती है लिथियम आयन बैटरी और दूसरी होती है लेड एसिड बैटरी। और ये जो लेड एसिड बैटरी है ये 2 साल तक चलती है, ये नॉन पोर्टेबल है। और दूसरी होती है लिथियम आयन बैटरी जो कि काफ़ी लाइट वेट होती है, पोर्टेबल है, इसे आप आपके घर पर लेके जाके चार्ज भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी ही एक लिथियम आयन बैटरी की जो स्कूटर है उसका रिव्यू देने वाली हूँ। और उस स्कूटर का नाम है बेनलिन कंपनी की है वो स्कूटर आइकॉन। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ वीराज ई मोटर्स में जो कि बाने पुणे में है और यहाँ पर आपको जितनी भी बेनलिन की इलेक्ट्रिक स्कूटर से देखने के लिए मिल जाएगी और आप इसका टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो, तो प्लीज़ आप यहाँ पर विजिट दीजिए। सो लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। आइए अब हम इस स्कूटर के फर्स्ट फीचर के बारे में जानकारी लेते हैं। ये है टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन विद स्टील व्हील रिम और ये है 10 इंच का ट्यूबलेस टायर जो कि जेके कंपनी का है। ये है फ्रंट डिस्क ब्रेक जो कि 180 mm का है और ये ऑयल ऑपरेटेड होने की वजह से आप एफर्टलेस ब्रेक लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्कूटी है ये आपको ब्लैक ग्लॉसी कलर में मिल जाएगी और उसी के साथ ये है यहाँ पर स्टील गार्ड जो कि कंपनी फिटेड है। यहाँ पर आपको ये कंपनी का बैचिंग है देखने के लिए मिल जाएगा, बेनलिन यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर ये जो लाइट है ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसे यहाँ बॉडी में ही दिया गया है। उसी के साथ ये यहाँ पर इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो कि हैंडल में ही दिए गए हैं। अब ये जो हेडलाइट और पार्किंग लाइट है मैं आपको ऑन करके दिखा दूँ। देखिए, ये है इसका पार्किंग लाइट जो कि DRL है और ये है इसका हेडलाइट जो कि प्रोजेक्टर हेडलाइट है और ये LED ही दिए गए हैं। ये है यहाँ पर ये रियर ब्रेक दिया गया है। ये है अपर लाइट और लोअर लाइट का स्विच, काफ़ी इजी है मूव करने के लिए। ये है इंडिकेटर के स्विच, आप यहाँ पे इसे प्रेस कर सकते हो। ये है हॉर्न का स्विच और उसी के साइड में ये है रिवर्स असिस्ट का बटन, यहीं पे दिया गया है, आपको इसे प्रेस करके एक्सीलेटर देना पड़ता है। ये है ब्रेक डाउन असिस्ट का स्विच, इसके वजह से होता क्या है अगर आपके स्कूटी में कोई ख़राबी है तो ये 5 से 6 किलोमीटर तक आपको इजीली बटन प्रेस करके लेके जाएगी ये स्कूटी। ये है मोड को चेंज करने का स्विच, इसे हम हमें प्रेस करना होता है। ये है हेडलाइट और पार्किंग लाइट का स्विच और ये चारों स्कूटी के जो इंडिकेटर्स हैं उसे ऑन करने का स्विच है। ये यहाँ पर और ये है फ्रंट ब्रेक, यहाँ पर ये एक्सीलेटर दिया गया है और यहाँ पर ये मास्टर सिलेंडर दिया गया है। फ्रेंड्स, रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहती हूँ, आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन पर क्लिक करना भूलिएगा मत, सो दैट कि जब भी मैं अपना वीडियो डालूँ आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस स्कूटी की डिजिटल डिस्प्ले के बारे में जानकारी दे दूँ। फ्रेंड्स, ये है इसका डिस्प्ले, ये काफ़ी कलरफुल है और ये है इसका बैटरी स्टेटस, ये है स्पीडोमीटर, ये है ट्रिपोमीटर और यहाँ पे ये रेडी लिखा, इट्स मीन आप अब ये स्कूटी ड्राइव कर सकते हो। आइए अब मैं आपको ये बता दूँ मोड का। जैसे कि मैंने आपको बोला ये यहाँ पर बटन दिया गया है शिफ्ट करने के लिए। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड एंड फोर्थ मोड। अभी अब हम देखते हैं कि हमें फर्स्ट मोड में कितना स्पीड मिलता है। देखिए, अब हम देखते हैं कि हमें फर्स्ट मोड पे कितना स्पीड मिल रहा है। इट्स 26 का स्पीड मिल जाता है हमें यहाँ पर। नाउ सेकंड मोड पे हमें 29 का स्पीड मिलता है। नाउ थर्ड मोड पे 32 का स्पीड मिलता है। अब हम देखते हैं कि हमें
मोड पे कितना स्पीड मिलता है, इट्स 35 मैक्स टू मैक्स इसका जो स्पीड हमें मिलता है वो है 35 का। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके मिडिल एरिया के बारे में जानकारी दे दूँ। यहाँ पर ये USB मोबाइल चार्जर दिया गया है, आप आपके मोबाइल को यहीं से चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर आप आपका मोबाइल भी रख सकते हो, अदरवाइज़ वाटर बॉटल है तो आप वो भी यहाँ पर रख सकते हो। ये यहाँ पर रोक दिया गया है, आप आपका जो लगेज है वो यहाँ पे रख सकते हो, हैंग कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पर ये है लेग स्पेस, आप यहाँ पर भी बैग है या कुछ मार्केटिंग का सामान है वो यहाँ पर रख सकते हो। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm का, और आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहीं से आपकी जो बैटरी है चार्ज कर सकते हो विदाउट बैटरी निकाले हुए। फ्रेंड्स, ये है इसका सीट, ये काफ़ी कंफर्टेबल है, यहाँ पर दो लोग आराम से बैठ सकते हैं। और ये इसका जो कुशन है ये काफ़ी सॉफ्ट है, और ये जो सीट का जो कवर है ये रेगुलर दिया गया है। और यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर में ये है ग्रैप होल्डर। और आइए अब आपको मैं बता दूँ कि ये सीट कैसे खोलना है, ये जो की है इसे हमें लेफ्ट साइड टील करना है। और ये है इसका बोर्ड स्पेस जो कि 15 लीटर का है, और यहाँ पर ये ऑन ऑफ स्विच दिया गया है, इन केस अगर आपके स्कूटी में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये आपकी स्कूटी को प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पर ये टूल बॉक्स दिया गया है, ये है ऑनर मैनुअल, और यहाँ पर हाफ हेलमेट काफ़ी आसानी से आ जाएगा। और यहाँ पर ये लाइट दिया गया है, इस तरह से इसे हमें प्रेस करना होता है, रात का टाइम है कुछ दिख नहीं रहा है तो आप इसे ऐसे प्रेस कर सकते हो, और ये नियॉन कलर में आपको मिलता है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये जो स्कूटी है ये लिथियम आयन बैटरी की है, तो आप बता दूँ मैं कि इसकी बैटरी कहाँ पर है। देखिए, ये यहाँ से हमें इसे प्रेस करना होता है और हमारी जो बैटरी है वो यहाँ पर होती है नीचे। तो अब मैं आपको बता दूँ इसे निकालनी कैसी है। ये जो यहाँ पे ये जो नॉब दिया गया है इसे जस्ट हमें यहाँ पर पीछे इस तरह से खींचना है, और ये खींचने के बाद काफ़ी आसान है इसे निकालना, और ये जो हमारी बैटरी है ये इस तरह से निकल जाती है। ये देखिए, ये है इसकी बैटरी। फ्रेंड्स, ये है वो लिथियम आयन बैटरी जो कि 60 वोल्ट 22 एम्पियर की है, जो कि सीगर कंपनी की है, और ये काफ़ी लाइट वेट है, इसका जो वेट है वो है 9 kg का। ये है स्कूटर को कनेक्ट करने का सॉकेट, और ये चार्जर को कनेक्ट करने का सॉकेट। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके चार्जर के बारे में जानकारी दे दूँ। ये है इस स्कूटी का चार्जर, और ये है बैटरी को कनेक्ट करने का सॉकेट, और ये है इसका 3-pin plug। और ये जो चार्जर है इसका आउटपुट वोल्टेज है 67.2 वोल्ट, और इसका आउटपुट करंट है 6 एम्पियर, और ये 6 एम्पियर का होने की वजह से 3 to 3.5 आवर्स में आपकी बैटरी को चार्ज कर देता है। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि बैटरी को कैसे चार्ज करना है। उसके पहले कहना चाहती हूँ, ये है एनर्जी मीटर, मैंने इसे घर पे बनाया है, और इससे आपको पता चलता है कि आपकी जो बैटरी है वो कितने वॉट से चार्ज होती है। तो ये है इसका 3-pin plug, इसे मैं यहाँ पर बोर्ड पे कनेक्ट कर रही हूँ इस तरह से। और ये है चार्जर का 3-pin plug, इसे मैं एनर्जी मीटर पे कनेक्ट कर रही हूँ इस तरह से। और ये है बैटरी को कनेक्ट करने का सॉकेट, इसे हमें इस तरह से कनेक्ट करना है। और ये जो स्विच है इसे अब मैं ऑन कर रही हूँ इस तरह से। चार्जर पे भी रेड लाइट आ गया है, इसमें हमारी ये जो चार्जर है ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। और ये एनर्जी मीटर है ये भी अभी ऑन हो गया है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 425.9 वॉट से ये जो हमारी बैटरी है ये चार्ज हो रही है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि विदाउट बैटरी निकाले हुए स्कूटी को कैसे चार्ज करना है। ये जो 3-pin plug है इसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ, और ये जो सॉकेट है उसे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रही हूँ इस तरह से। देखिए, इस तरह से इसे मैंने कनेक्ट कर दिया है, और ये जो स्विच है इसे भी मैंने अब ऑन किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेड लाइट आ गया है, ये अभी वोल्टेज चेक कर रहा है,
और ये जो ग्रीन लाइट की जो स्टेटस है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी जो बैटरी है वो कितने परसेंट से चार्ज हुई है। अब ये जो बैटरी है ये 75% से चार्ज हो रही है, जब ये 100 पे आएगा इट्स मीन हमारी ये जो बैटरी है ये फुल हो गई है। फ्रेंड्स, ये है रिमोट कंट्रोल की और ये आपको इस स्कूटी के साथ मिलता है और विदाउट की कि आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। ये जो बटन है इसे आपको दो बार प्रेस करना होता है तब ये जो स्कूटी है ये स्टार्ट होती है। और ये है लॉक का बटन और ये है अनलॉक का बटन। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस स्कूटी के रेयर के बारे में जानकारी दे दूँ। ये है 250 वॉट की BLDC मोटर जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इसे व्हील में ही दिया गया है और ये वाटरप्रूफ है। और ये है इसके ट्यूबलेस टायर जो कि 10 इंच के हैं। और ये है ड्यूल रेयर सस्पेंशन जो कि हाइड्रोलिक है। ये है रेयर ड्रम ब्रेक जो कि केबल ऑपरेटर है और इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का भी सिस्टम दिया गया है। उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो ये है बैनालिन कंपनी का बैचिंग है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी स्टाइलिश भी है। यहाँ देखिए, यहाँ पर स्पोर्ट्स भी लिखा है। उसी के साथ यहाँ पर भी एक स्टिकर दिया गया है आइकॉन का। और ये है जो पीछे बैठते हैं उनके लिए ये फुटरेस दिया गया है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। आपको जिस प्रेस करना है और ज़रूरत नहीं है तब आप इसे अंदर प्रेस कर दीजिए। और ये देखिए, ये जो इसका फुटरेस है ये आपको ब्लैक और सिल्वर कलर में मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पर ये है इसका साइड स्टैंड, ये भी काफ़ी स्टाइलिश है। और अब मैं आपको इसके जो ब्रेक लाइट्स है ये ऑन करके दिखा दूँ। ये देखिए, ये है इसका ब्रेक लाइट जो कि LED है। अब ये जो इंडिकेटर्स है वो भी आपको ऑन करके दिखा दूँ मैं। ये जो इसके इंडिकेटर्स मैंने ऑन किए हैं, अब हम ये जो है इसके पूरे इंडिकेटर्स ऑन करते हैं। देखिए, ये काफ़ी बढ़िया है। ये जो पीछे का ये जो लाइट्स है काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी येलो है, रेड है। उसी के साथ ये है यहाँ पे बैनलिंग लिखा हुआ है, ये नंबर प्लेट जो कि ग्रीन कलर में आपको मिल जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी शानदार है ये स्कूटी। प्लीज़ आप आइए एक बार, इसका टेस्ट ड्राइव भी लीजिए। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके रिवर्स असिस्ट का जो फंक्शन इसमें दिया गया है करके बता दूँ कैसे करना है हमें। यहाँ पर हॉर्न के बाजू में रिवर्स असिस्ट का बटन दिया गया है, यहाँ पर R लिखा हुआ है। इसे जस्ट हमें प्रेस करना है इस तरह से, और प्रेस करने के बाद हमें एक्सीलेटर देना है। बहुत ही सिंपल है, एक्सीलेटर देने के बाद ऑटोमेटिक ये जो हमारी स्कूटी है ये पीछे जाती है। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस स्कूटी के प्राइस के बारे में जानकारी दे दूँ। इस स्कूटी का ऑन रोड प्राइस है 73,000 और आपको इस स्कूटी के साथ इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका टेस्ट ड्राइव लेके दिखा दूँ, पर उसके पहले कहना चाहती हूँ कि एक चार्ज में ये जो स्कूटी है ये 70-75 किलोमीटर तक जाती है। फ्रेंड, जस्ट मैंने अभी इस स्कूटी का टेस्ट ड्राइव लिया है। इसका पिकअप काफ़ी बढ़िया है, इसके ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छे हैं, फटाक से ब्रेक लग जाते हैं। ये जो सीट है काफ़ी कंफर्टेबल है, स्कूटी का जो हाइट है वो भी काफ़ी बढ़िया है। ये अप हिल पे भी काफ़ी स्मूथली चढ़ जाती है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस स्कूटी में। आप भी एक बार आइए, इस ये स्कूटी है इसका टेस्ट ड्राइव लेके देखिए, डेफिनेटली आपको भी ये जो स्कूटी है ये काफ़ी पसंद आएगी।
फ्रेंड्स ये हो गई इस वीक की स्कूटी की जानकारी, मैं ऐसे ही आऊंगी नेक्स्ट वीक नए स्कूटर के साथ आप लोगों के सामने। तब तक प्लीज़ आप मेरे जो वीडियो है ऐसे ही देखते रहिए। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।